हाँ जी, हाँ जी बताइए, एक मिनट, ये तो हो गया इधर का। हाँ जी बताइए, ये जो पोस्टर लगा हुआ है शराब बियर और नशीली चीज़ों के बारे में, देखिए हमने यहाँ ग्रीन शक्ति फाउंडेशन की ओर से एक ये संदेश दिया है कि भाई आप यहाँ पर ये छोटा हरिद्वार गंगा घाट पर शराब ना पिए, बियर ना पिए, किसी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, और अगर कोई इनका सेवन करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए, हमारे माननीय जिलाधिकारी गाजियाबाद के और DM के आदेश है, स्पष्ट आदेश है। मगर इसके बाद भी हमने जगह जगह ये साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, माइक द्वारा अनाउंस भी करते हैं, PA सिस्टम हमारा लगा हुआ है, पब्लिक अनाउंस से करते रहते हैं, मगर कुछ इस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं कि मना करने के बावजूद भी जो है वो शराब का सेवन करते हैं, बियर का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उसके बाद वो बैरिकेडिंग से आगे जाकर स्नान करते हैं, मना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, और कई बार ऐसी घटनाएँ हुई हैं, अधिकतर ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनकी यहाँ पर शराब पीकर बैरिकेडिंग से आगे गए और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि हम कई बार उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं तो हमसे झगड़ते हैं कि मैं तो तैर रहा हूँ, मैं तो स्नान कर रहा हूँ, तुम हमें कौन होते रोकने वाले, तो ये एक विवाद हो जाता है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, उस स्थिति से निपटना बड़ा मुश्किल है, ये प्रशासन शासन का काम है, पुलिस का काम है, ये हमारा मंदिर समिति का इससे कोई लेन देन नहीं, मगर हम धर्मार्थ कार्य को देखते हुए इसमें करते हैं, जितना करा जाता उतना करते हैं, मगर ये हमें चाहिए कि यहाँ पर तरीके से पुलिस नियुक्त हो और वो बैरिकेडिंग से आगे जाने वाले FIR करें, जो शराब पिए उस पर FIR करें, जो नशीला पदार्थ का सेवन करे उस पर FIR करें, हम यही शासन और प्रशासन से मांग करते हैं।